फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने 3 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी के साथ एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया। स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी धारीवाल ने मीडिया को बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने 3 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी के साथ एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। 43.934 ग्राम उत्तम गुणवत्ता वाली अफीम, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 40 करोड़ की वसूली गई है, वो बरामद की है। अफीम उत्तर पूर्वी राज्यों से लाई तस्करी करके लाई गई थी और दिल्ली और आसपास के अन्य राज्यों में आपूर्ति की जानी थी। सिंडिकेट के सदस्यों ने एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और कार में अफीम छिपाने के लिए एक गुप्त गुहा का इस्तेमाल किया, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए एक स्थायी पंजीकरण स्थायी संख्या थी। कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और 2 किया सेल्टोस कारें भी बरामद की हैं। एसीपी कैलाश सिंह बिष्ट और राहुल कुमार सिंह और डीसीपी टीवाईआर स्पेशल सेल प्रतिशा गोद्रा की देख रेख में इंस्पेक्टर राहुल कुमार और इंस्पेक्टर विनीत कुमार तेवतिया के नेतृत्व में टीम बनी थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान अमरा राम पुत्र फूसाराम निवासी जोधपुर राजस्थान का, इसकी उम्र 34 वर्ष, दूसरा भाना राम चौधरी पुत्र चौथा राम निवासी जोधपुर राजस्थान का, इसकी उम्र 33 वर्ष, तीसरा भल्ला राम पुत्र भाकर राम निवासी जोधपुर राजस्थान का, इसकी उम्र 31 वर्ष। इनके पास से कुल 43.934 किलोग्राम उत्तम गुणवत्ता वाली अफीम बरामद की है, जिसकी बाजार में 40 करोड़ की कीमत लगाई गई है। बहरहाल इन तीनों से पुलिस कर रही है पूछताछ।